दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाएगी भारतीय टीम। इसको लेकर भारत से लेकर पूरी दुनिया में बवाल मच चुका है। भारत के पाकिस्तान जाने पर बड़ा बयान दे डाला है गौतम गंभीर से लेकर वीरेंद्र सहवाग, वसीम अकरम से लेकर शोएब अख्तर जैसे महान खिलाड़ियों ने। ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी रिकी पोंटिंग ने भी इस पर अपनी राय रखी है। तो आइए चलिए दिखाते हैं इन दिग्गजों ने क्या बोला है। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों हाल ही में टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बनकर एक नया इतिहास बनाया। लगभग 13 सालों का सूखा खत्म करके रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया चैंपियन बनी। पूरा देश खुश है। हर कोई T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनने के बाद भारत में जश्न मना रहा है। 4 जुलाई को टीम इंडिया मुंबई में परेड भी करेगी। वहां पर सभी अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन इसी बीच ICC ने BCCI से बिना पूछे भारत और पाकिस्तान का शेड्यूल तय कर दिया है, वो भी लाहौर में। जी हां, PCB और ICC ने मिलकर भारतीय टीम का शेड्यूल तय कर दिया है चैंपियंस ट्रॉफी का। ICC के अनुसार भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी, यानी कि लाहौर में खेलेगी पाकिस्तान के खिलाफ। आपको बता दें भारत और पाकिस्तान का मुकाबला रखा गया है 1 मार्च को। भारत के ग्रुप में है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीम। जैसे ही भारत पाकिस्तान का लाहौर में शेड्यूल तय हुआ, उसके बाद पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बवाल समझ गया। अब इसको लेकर भारतीय टीम के नए हेड कोच बनने वाले गौतम गंभीर ने बड़ा बयान दे डाला है। वो काफी गुस्से में दिखाई दिए। उन्होंने कहा, ICC और PCB को शेड्यूल तय करने से पहले एक बार BCCI से तो पूछ लेना चाहिए था। भारत कभी भी पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने नहीं जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमारा देश आता है, उसके बाद गेम आता है। अगर भारतीय सरकार नहीं चाहती है कि हम पाकिस्तान में जाएं खेलने, तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। और मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है पाकिस्तान में जाने का। पाकिस्तान की कोई गारंटी नहीं है, वहाँ पर हमारे खिलाड़ी सेफ नहीं है। वहाँ के अलावा हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हम हरगिज क्रिकेट नहीं खेलेंगे। दोस्तों गौतम गंभीर के गुस्से वाले बयान के बाद शोएब अख्तर ने बड़ा बयान दिया। शोएब अख्तर ने कहा, आखिर भारत वालों को हर्ज क्या है पाकिस्तान में खेलने से? पाकिस्तान में हर टीमें तो आती हैं। ये ICC टूर्नामेंट है, ये ICC डिसाइड करती है कि कब कहाँ कौन सी टीम खेलेगी। अगर भारत को हमारे देश में नहीं खेलना है तो वो ICC टूर्नामेंट से बैकआउट कर जाएं, क्योंकि सभी टीमों के लिए नियम एक समान होते हैं। हम भी तो भारत क्रिकेट खेलने आए थे। अगर इस बार चैंपियंस ट्रॉफी भारत पाकिस्तान में खेलने नहीं आता है, तो इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी पाकिस्तान की टीम नहीं खेलेगी और ना ही होस्ट करेगी। दोस्तों शोएब अख्तर के बाद बड़ा बयान दे डाला है ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाजों में से एक रहे रिकी पोंटिंग ने। उन्होंने कहा, अगर मैं सच कहूं तो भारत को बिल्कुल भी पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान के आतंकियों ने भारत में जो कांड किया था, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। और पहले देश आता है, गेम बाद में आता है। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला कहीं और भी शिफ्ट किया जा सकता है, ऐसे बिल्कुल क्रिकेट नहीं हो सकता। दोस्तों रिकी पोंटिंग के बड़े बयान देने के बाद पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, बड़ा ही दिलचस्प है, हमारी टीम भारत में चली जाती है क्रिकेट खेलने, लेकिन भारत वाले हमारे यहाँ नहीं आते हैं। लेकिन अगर सच कहूँ तो भारत वालों का ना आना भी तुक बनता है। हमारे यहाँ सिक्योरिटी की व्यवस्था बहुत खराब है। यहाँ पर कब कहाँ क्या हो जाए कोई बता नहीं सकता। यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हैं, जिसके चलते भारत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहेगा। हमारी टीम जब वर्ल्ड कप खेलने भारत गई थी, तो उन्हें वहाँ पर कोई तकलीफ नहीं हुई थी। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भारत यहाँ पर खेलने आए तो उन्हें तकलीफ ना होगी। दोस्तों वसीम अकरम के बाद बड़ी बात कह दी है वीरेंद्र सहवाग ने। उन्होंने कहा, BCCI पर लानत होगा अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट खेलने चले जाए, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ICC और PCB ने जो हरकत की है, BCCI को सीधे से मना कर देना चाहिए कि पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या चैंपियंस ट्रॉफी खेलने भारतीय टीम को पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।